को जी एच एन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3D डिज़ाइन के बारे में कि 3D डिज़ाइन अगर हमने एक लेयर पे पेस्ट कर दी तो उसको दूसरे लेयर पे कैसे लेके जाने का, और लेयर में 3D का काम कैसे करने का, और 3D जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसको कॉपी कैसे करने का, मिरर कैसे करने का, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोई भी एक 3D ले लेंगे। तो मैंने जो भी 3D बनाया है ऑब्जेक्ट उसको मैं ले लेता हूँ। गैलरी में जाके मैं क्लिप आर्ट गैलरी में जाके मैं कोई भी इस तरह की एक कोई भी 3D डिज़ाइन ले लेता हूँ नॉर्मली। ओके, इस तरह के मैंने एक 3D डिज़ाइन ले ली। ओके, तो मैं अभी इसको थोड़ा रोटेशन कर लेता हूँ, मतलब इसको हमने मिरर भी करना है तो पता चल जाएगा इसके बारे में। ओके, तो इसकी साइज़ में थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। इसकी साइज़ जो भी है, हाइट विड्थ जो भी है, वो थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ। हाइट इसकी मैं 100 कर देता हूँ। तो अप्लाई, इस तरह से हमने इसको कर लिया। ओके दोस्तों, अभी हमने इसको कर लिया, इसको ले लिया, हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट रिलीफ, तो फ्रंट रिलीफ पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, रिलीफ ओपन हो जाएगी। अभी क्या है, ये रिलीफ पे ये जो 3D मॉडल है ये पेस्ट हुआ है। अभी इसको आप किधर भी मूव नहीं कर सकते, आपका मॉडल किधर भी मूव नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते मॉडल को। अगर मॉडल को आपको मूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मॉडल को आपको दूसरी जगह पर लेके जाने का है, एक लेयर से दूसरे लेयर पर लेके जाने का है, तो वो कैसा काम करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे रिलीफ, रिलीफ ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा, येलो कलर है तो रिलीफ हमारा सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे भी पोस्ट हो गई। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रिलीफ कुकी कटर, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी, इसके ऊपर भी क्लिक करके हम लोग रिलीफ को ऐसा रिमूव कर सकते हैं। अभी ये रिलीफ क्या हो गई, ये रिलीफ वहाँ से जो ये था लेयर था रेयर से ये रिमूव हो गई, अलग हो गई। आप इसको कहाँ भी पेस्ट कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिक कर दिया, न्यू लेयर डाल दी यहाँ पे, न्यू लेयर वन। तो अभी इसको, अभी ये फाइल थी इसके ऊपर रेल रिलीफ के ऊपर, अभी मैंने सेलेक्ट किए रिलीफ लेयर, तो रिलीफ लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता है, ये ट्रांसफॉर्म को पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गई, ये हो गई सेकंड लेयर पे पेस्ट। तो देखिए इसको बंद करता हूँ तो बंद हो जाएगी, फर्स्ट वाले पे कुछ भी नहीं है अभी, तो ये सेकंड वाले पे पेस्ट हो गई। अभी यहाँ से इसको भी रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो मुझे एक कॉपी फर्स्ट लेयर पे चाहिए, एक कॉपी सेकंड लेयर पे चाहिए, जो हमारी ये बाद में बनाई हमने लेयर, इसके ऊपर एक कॉपी चाहिए और इसके ऊपर एक कॉपी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, इस तरह से पेस्ट। अभी ये दो है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे दो पेस्ट आपको नज़र आएगी, अभी दो हो गई है। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, फर्स्ट रिलीफ हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, हम लोग ट्रांसफॉर्म में गए और ट्रांसफॉर्म में इसको हमने पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गई। अगर हम ये रिलीफ को सिलेक्ट करते हैं, ये मॉडल को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं अगेन, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी पेस्ट हो गई, लेकिन इसका विजिबल नहीं है, इसकी वजह से नहीं दिख रही। हम लोग इसको विजिबल करते हैं तो देखिए दोनों हमें दिखाई देगी, मतलब दोनों पे अभी अलग अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे। ये होता है लेयर का काम कि दो लेयर पे या तीन लेयर पे कैसे काम किया जाता है। आप मर्जी चाहे जितना लेयर आप क्रिएट कर सकते हो और इनको पेस्ट कर सकते हो। रही दूसरी बात, अभी सेम मॉडल की आपको कॉपी चाहिए, राइट में कॉपी करना है, लेफ्ट में कॉपी करना है, सेम मॉडल को आपको मिरर करना है, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं फर्स्ट वाली को बंद कर देता हूँ, इसको ही हम लोग जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कुकी कटर पे, कुकी कटर में जाके इसको मूव कर लेते हैं साइड में, इस तरह से। कुकी कटर पर हम लोग जाने के बाद, इसको कट करने के बाद, ये 3D मॉडल किधर भी हमारा मूव हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी हम लोग साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, उसका जेड रेंज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, हाइट विड्थ कुछ भी हम लोग एवरीथिंग उसका चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेशन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसको चाहे तो डिग्री में थोड़ा सा शेड दे सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं इस तरह से, उसके बाद में हम लोग उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन ट्रांसफॉर्म में हैं। तो उसके बाद में ये भी देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं मर्ज करना है, ऐड करना है, तो ये हम लोग ये ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिरर करेंगे। इसको हमने कुकी कटर से कट कर लिया, लेयर हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है वन, कुकी कटर हमने सेलेक्ट करके कट किया। यहाँ पे जाएंगे मिरर का ऑप्शन, मिरर, तो हमें देखिए मिरर क्या हिसाब से मिरर चाहिए वो हम लोग देख लेंगे। ओके, कौन से हिसाब से हमें मिरर चाहिए, यहाँ पे मिरर का ऑप्शन, यहाँ पे मिरर हमने सेलेक्ट किया, सॉरी मिरर ऑलरेडी सेलेक्ट है, लेकिन एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ मिरर को। ओके, मिरर को बंद कर देते हैं। ओके, मिरर, तो ये देखिए यहाँ पे मिरर है, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में मिरर हो जाएगी, कंट्रोल जेड कर देते सेंटर में चाहिए नहीं चाहिए सेलेक्ट कर लिया, हमें राइट में चाहिए तो राइट में इस तरह से हो जाएगी, अगर हमें कंट्रोल जेड कर देते, अगर हमें अक्रॉस द मॉडल चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके अक्रॉस द मॉडल इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे भी ओवरऑल मॉडल तो इस तरह से हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे अक्रॉस द मॉडल इस तरह से हो जाएगी। अभी देखिए इसके चार पीस हमने बना लिए। अभी यहाँ पे जो टच हो रही है यहाँ पे इसको मर्ज करना है। अगर हम लोग इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो सबको हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म टूल में। ट्रांसफॉर्म टूल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे पेस्ट टू न्यू लेयर, न्यू लेयर पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं वही लेयर पे आपने जो सिलेक्ट किए तो उसके ऊपर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के टाइम में यहाँ पे नीचे मोर ऑप्शन, यहाँ से भी मोर ऑप्शन ओपन होते हैं। मोर ऑप्शन में आप अगर जाते हैं यहाँ पे ऐड, मर्ज हाई, सबट्रैक, मर्ज लो, रिप्लेस, तो आपको कौन सा चाहिए कंबाइन ऑप्शन वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐड करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये देखिए एक के ऊपर एक आ रहा है यहाँ पे जॉइन पे, ये हमें ऐसा नहीं चाहिए। कंट्रोल जेड, अगेन हम लोग सबको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, हम लोग इसको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्म टूल में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म टूल में जाने के बाद अगेन पेस्ट का ऑप्शन में, उसके बाद में मर्ज हाई करेंगे, एक दूसरे को मर्ज होंगे, उसके बाद में यहाँ है पेस्ट लाव पेस्ट आउटलाइन वेक्टर। अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो पेस्ट करने के टाइम में आउटलाइन वेक्टर भी क्रिएट हो जाएगा। इसको लेयर पे पेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट में जाएंगे। अगर हमें ये दो लेयर पे पेस्ट नहीं करना तो अगेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए न्यू लेयर, न्यू लेयर हमने सेलेक्ट कर ली, बाद में मॉडल हमने सेलेक्ट करना है, बाद में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, इस तरह से पेस्ट हो जाएगी।
ये देखिए वेक्टर भी क्रिएट हो रहा है। वेक्टर अब अपना आपको नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्म टूल में जाइए और यहाँ पे पेस्ट करने के टाइम में यहाँ ये पेस्ट आउटलाइन वेक्टर, उसको हटा दीजिए मार्किंग, वो हट जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से इसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अगर हमें ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे चाहिए तो हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे भी लेके जा सकते हैं। अभी डिफरेंट लेयर पे लेके जाने का, समझो अभी ये हमारा है रिलीफ लेयर टू पे। अभी रिलीफ सेम हमको डिज़ाइन, यही सेम डिज़ाइन हमें रिलीफ वन पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे कुकी कटर में। तो इसको हमने कट कर लिया, इसको कर लेते कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब यहाँ पर उसकी एक कॉपी बना ली। एक को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। ये हो गई, ये देखिए ये जो दिख रहा है थोड़ा सा येलो कलर और येलो कलर, जो ये हमारी टू पे पेस्ट हो गई। अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं दूसरे वाले को और ट्रांसफॉर्म टूल में जाके इसको अगर साइड में मूव करते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने उसकी कॉपी बनाई थी कंट्रोल से कंट्रोल भी, तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके अगर टू पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म टूल में जाके पेस्ट हो जाएगी। ये हो गई डिफरेंट टू लेयर पे पेस्ट। अगर इन दोनों को अगर डिफरेंट लेयर पे पेस्ट करना है तो अगेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको भी हम लोग कट करेंगे यहाँ से, अगेन यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर जो है उसको भी हम लोग कट करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ इस पर जाएंगे और इसको भी हम लोग सॉरी कट, जिसे हमें कट करना है ये कौन से लेयर पे, ओके ये देखिए इसको भी हमने कट कर दिया। अभी यहाँ पे होगी दो कट, तो हम लोग दोनों को सिलेक्ट करके इनको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके हम लोग इस तरह से ट्रांसफॉर्म का टूल सिलेक्ट करके इनको नीचे भी लेके आ सकते हैं। इस तरह से नीचे लाने के बाद, इस तरह से हमने इसको नीचे लाया। अभी इनको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर में हमने पेस्ट कर दिया, दो पेस्ट हो गई। और ये जो पहला हमने सेलेक्ट किया था इसको वन लेयर पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट जाके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और जो हमने ये सिलेक्ट किया इसको फर्स्ट लेयर पर आप इसको ट्रांसफॉर्म टूल में जाके सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए। देखिए अभी तीन लेयर पर तीन डिज़ाइन हैं, तो हम लोग यहाँ पे उनकी लाइट है विजिबली है, हम लोग उसको बंद भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले लेयर को हम लोग बंद करते हैं, तो डिज़ाइन जो दो डिज़ाइन हमने अभी पेस्ट की थी वो बंद हो जाएगी। उसके बाद में से जो लेयर वन है उसके ऊपर क्लिक करते तो एक डिज़ाइन बंद हो जाएगी। उसके बाद में रिलीफ लेयर को हम लोग बंद करते तो इस तरह से डिज़ाइन बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ब्लू वाला कुछ है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं बैकग्राउंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग 3D मॉडल को एक लेयर से लेकर दूसरा लेयर तक उसको लेके जा सकते हैं कुकी कटर का इस्तेमाल करके, और कुकी कटर का इस्तेमाल करके हम लोग उसको मूव कर सकते हैं ये लेयर से लेकर वो लेयर तक। उसकी जगह भी कुकी कटर का इस्तेमाल करके हम लोग कुकी कटर से उसको उसकी जगह हम लोग चेंज करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 3D डिज़ाइन जब भी आप बनाएंगे वो टाइम में आप लेयर में काम कीजिएगा, लेयर में